महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रही घटनाओं के मुद्दे पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पिछले चार दिन से राजघाट पर अनशन पर बैठी हैं। सुबह स्वाति मालीवाल का चेकअप करने के लिए मेडिकल टीम राजघाट पहुंची, लेकिन उन्होंने चेकअप नहीं कराने दिया। हालांकि सुबह मालीवाल राजघाट से बाहर आई, उन्होंने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस पीएमओ के इशारे पर उनका अनशन तोड़वाने का काम कर रही है। मालीवाल का कहना है कि वे बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उनका अनशन तोड़वाने की कोशिश कर रही है। स्वाति ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उनसे कहा है कि उनका अनशन तोड़वाने के लिए सीधा पीएम ऑफिस से निर्देश मिले हैं। स्वाति ने बताया कि अभी उनका कीटोन लेवल उतना ही है जितना चार दिन के अनशन के बाद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी जी महिलाओं को कमजोर समझते हैं। स्वाति ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से एक मेडिकल टीम के गठन की अपील की जो उनका चेकअप करे। उन्हें किसी से खतरा नहीं है, बस पुलिस सुरक्षा दिलवाई जाए। सीपी पूरी पुलिस फोर्स आ गई, एम्बुलेंस मेरे बिल्कुल सामने लगा दी गई और बार बार बोल रहे हैं कि मेडिकल इमरजेंसी है। मेरे कीटोन लेवल्स कल चेक हुए हैं, मेरे कीटोन लेवल दो हैं। दो कीटोन लेवल तो तीसरे या चौथे दिन के अनशन पे सभी के होते हैं। तो अन्ना जी 73 साल के होके 13 दिन अनशन कर दिए, अरविंद केजरीवाल जी शुगर के पेशेंट होके 15 दिन अनशन हो गया, संत गोपाल दास जी 147 दिन तक अनशन कर लिए। तो मोदी जी को लगता है कि महिलाएं कमजोर हैं, महिलाओं की कोई औकात नहीं है। उन्हें लगता है महिलाओं का अनशन तीन दिन चल गया, इतना ज्यादा चल गया, बंद कराओ। हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और उसके खिलाफ बोलना राजनीति है, धिक्कार है भाजपा के लोगों पर। अगर बोलना या राजनीति थी तो नारा क्यों दिया था कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार किस लिए सरकार बनाई थी? वोट लेने के लिए राजनीति नहीं थी। और अब जब महिलाओं के ऊपर हमला हो रहा है, दमन हो रहा है, बलात्कार की घटना हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाना अब राजनीति हो गई, धिक्कार है ऐसे लोगों पर।